दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात कर रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जो फेक न्यूज़ हैं उन्हें किस प्रकार से ट्रेस किया जाता है, कैसे पता चलता है कि आप जो फोटो शेयर कर रहे हैं वो फेक है। व्हाट्सएप को, फेसबुक को जो भी है उसके बाद आपका अकाउंट जो है बैन कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो गया है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका भी कोई सोल्यूशन हम जल्दी ही ढूंढने वाले हैं अगर कोई मिलता है तो, और किस प्रकार से कर लेते हैं, हाउ डू दे डू इट, इसी के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, काफी सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स जो हैं आज व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो कि किसी भी सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं लेकिन वो व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं यूज़र्स में से डेली जो है लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाता है व्हाट्सएप की तरफ से। फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों की आईडी जो है ब्लॉक कर दी जाती है, और यही हो रहा ट्विटर के ऊपर, और अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये फंडा आ गया है। तो फेक न्यूज़ को किस प्रकार से ट्रेस करते हैं, मान लीजिए आपके पास किसी फ्रेंड ने एक फ़ोटो भेजी है, श्योर नहीं है आपका फ्रेंड कि ये न्यूज़ फेक है या फिर नहीं है, मतलब वो आपसे जानना चाहता है कि भाई ये ठीक है या नहीं है, या फिर जो भी है उसे नहीं पता है, उसने आपको शेयर कर दी, भेज दिया, उसके पास किसी ने भेजा और आपके पास वो भेज देता है। उसके बाद अगर आपको पता लगता है कि ये न्यूज़ नहीं भैया, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, तो आप नीचे लिख सकते हैं माई फ्रेंड दिस न्यूज़ इज़ फैक, या फिर ये फेक न्यूज़ है, या फिर फैक डायरेक्ट अगर आप लिख देते हैं तो हर टाइम व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर सब जो हैं इसी को डायरेक्ट जो है ट्रेसिंग में लगाए रखते हैं। जहाँ पर भी किसी फोटो के नीचे डायरेक्टली फेक नाम यहाँ पर आ जाता है वहीं पर उस फोटो को ट्रेस कर लिया जाता है, या फिर उस न्यूज़ को ट्रेस कर लिया जाता है, या फिर उस आर्टिकल को ट्रेस कर लिया जाता है कि भाई वे फेक है। उसके बाद उस फोटो को अपनी जो है फेक लिस्ट या फिर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर उसके बाद भी आप उसे शेयर कर रहे हैं तो आपका अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही होगा, और जिसके पास आप भेज रहे हैं और वो किसी के पास भेज रहा है तो उसका अकाउंट भी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ यही चल रहा था सिस्टम, इसी प्रकार से जो व्हाट्सएप का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, वो मतलब सीख रहा है, अपने आप को रीड एंड राइट कर रहा है, इन चीज़ों से लैस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइंड जो उनके अंदर इस प्रकार से बनाया जा रहा है जो कि इस प्रकार की कंडीशंस में किस प्रकार से काम करें या फिर नहीं करें। लेकिन आपका एक सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि मेरी खुद की फ़ोटो है उसके नीचे कोई फेक लिख देता है जो कि बिल्कुल भी फेक नहीं है तो उसका क्या होता है यहाँ पर? भाई साहब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने डिस्प्ले पिक्चर एंड डीपी लगाते रहते हो, बार बार बदलते रहते हो, उसको भी वो ट्रेस करता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो समझ लेता है कि ये सिर्फ एक मजाक के तहत यहाँ पर फेक लिखा होगा, क्योंकि उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर सिस्टम है, वो सब कुछ यहाँ पर समझता है, हमारे इंसान के जैसा नहीं लेकिन लगभग इतना यहाँ पर समझ लेता है कि कौन सी फ़ोटो फेक है या फिर कौन सी नहीं है। काफ़ी फ़ोटोज़ ऐसी होती हैं जो कि उस सर्वर को भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर देती है, उसके ऊपर मैन्युअली जो है एक्शन लिया जाता है किसी भी टीम के द्वारा जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक और जो दूसरा सिस्टम है, सर्वर है ऑनलाइन सोशल मीडिया, उसके ऊपर बंदे बैठा रखे हैं और वो इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रेस करते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो कि आपको नहीं पता, और इतना प्रोसेस एक सेकंड में यहाँ पर हो चुका होता है। जब तक आप पलक झपकाएंगे तब तक काम हो चुका होता है, और उस फोटो को आगे फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। लास्ट में होगा ये कि आप फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे, आपको कुछ एरर दिखाएगा, फिर कुछ और दिखाएगा। अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं उसके साथ तो वो जो आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ही ब्लॉक कर देगा। अब व्हाट्सएप अकाउंट अगर आपका ब्लॉक हो गया तो उसे किस प्रकार से रिकवर करें, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ। कुछ आइडियाज मिले हैं यहाँ पर जिससे जो आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट रीसेट कर सकते हैं, उसी नंबर से व्हाट्सएप दोबारा चला सकते हैं, उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया जो कि फेक न्यूज को किस प्रकार से कवर करते हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।